कौन? हॉरर मूवी में पूछे जाने वाला ये सबसे वाहियात सवाल है, लेकिन इसी को लेकर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा एंड राइटर अनुराग कश्यप ने ईयर 1999 के अंदर एक मूवी रिलीज करी थी, जिस मूवी का नाम था कौन। इस मूवी के बारे में काफी ज्यादा कम लोग जानते हैं एंड ये इन माय ओपिनियन काफी ज्यादा अंडर एप्रिशिएटेड मूवी है, जो कि ऐसे जॉनर को कवर करती है जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेयर है, दैट इज साइकोलॉजिकल हॉरर एंड मिस्ट्री एलिमेंट एट द सेम टाइम। एंड इतना ही नहीं, इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा रेयरिटी वाली चीजें हैं जो कि उस जमाने में एज अ टैबो ही कंसीडर करी जाती थी, जिसके बारे में मैं तुम्हें इन डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। जिसमें बेसिक से शुरू करा जाए तो ये मूवी रिलीज हुई थी 26 फरवरी 1999 के अंदर, यानी आज से लगभग 25 साल पहले। इस मूवी के डायरेक्टर थे लेजेंडरी रामगोपाल वर्मा, जो कि आज की डेट में कुछ और करते ही पाए जाते हैं, लेकिन उस जमाने में भाई का रोला ही अलग था। एंड ये मूवी सरप्राइजिंग भी इसलिए थी क्योंकि रामगोपाल वर्मा ने इससे पहले सत्या मूवी बनाई थी, जो कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट फिल्म में से एक है। एंड अगर तुमने वो मूवी देखी है तो तुम्हें पता है कि वो गैंगस्टर जॉनर के अंदर फॉल करती है। एंड उसके बाद डायरेक्टली कौन जैसी मूवी बना देना काफी ज्यादा बोल्ड, डिफरेंट एंड हार्ड टू टेक स्टेप था, जो कि राम गोपाल वर्मा के अलावा आई रियली डोंट थिंक कि कोई ले सकता था। इस मूवी के राइटर थे अनुराग कश्यप एंड ये दूसरी ऐसी फिल्म थी सत्या के बाद जिसके अंदर अनुराग कश्यप को राइटिंग का क्रेडिट मिला हो। उन्होंने और भी कई सारी मूवी की राइटिंग करी है, लेकिन उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाता था। इट वॉज राम गोपाल वर्मा जिन्होंने समझा कि हाँ भाई इस बंदे के अंदर क्या पोटेंशियल है। एज अ फन फैक्ट के तौर पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सत्या के टाइम पे ही अनुराग कश्यप ने कौन की स्क्रिप्ट को भी पिच करा था राम गोपाल वर्मा को, एंड उन्हें पसंद आई तो हैंस उन्होंने वाली मूवी बना डाली। मूवी के मेन लीड के अंदर या फिर कह सकते हैं कि पूरी स्टार कास्ट के अंदर ही मात्र तीन एक्टर हैं, उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी एंड सुशांत सिंह। इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी एक्टर इस मूवी के अंदर है ही नहीं, ये इसकी यूनिकनेस की पहली निशानी थी। दूसरी बात ये थी कि इस मूवी के अंदर एक भी गाना नहीं था। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, पूरी मूवी के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि उर्मिला मातोंडकर का एक्चुअली में नाम क्या है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन्हें मैम करके ही एड्रेस करा गया है। एक और मजे की बात बताता हूं, ट्रेडिशनल मूवी उस में 2 से 2.5 घंटे के बीच में बनती थी, लेकिन ये मूवी मात्र 1.5 घंटे की है, जिसके अंदर कोई भी फालतू की बकवास है ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर शूट होके कंप्लीट हो गई थी। बाकी अगर बात करी जाए इसके बजट की, तो इसका बजट था 2.25 करोड़ एंड इसने इंडिया नेट कलेक्शन करा था 3.95 करोड़ का एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था इस मूवी का 6.83 करोड़। एंड हाँ, इसका फाइनल बजट निकल के आया था एज अ एवरेज मूवी के तौर पे, जो इन माय ओपिनियन और भी ज्यादा बेटर होना चाहिए था, बिकॉज ट्रस्ट मी ये मूवी काफी ही ज्यादा शानदार है। बट आई थिंक इस चीज का भी इन्फ्लुएंस पड़ा होगा कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 90 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज हुई थी। सो यार, डिफरेंट टॉपिक, लिमिटेड रिलीज, इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो टेम डाउन होना बनता ही था। बाकी मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि मनोज बाजपेयी का जो कैरेक्टर है वो शुरुआत के अंदर काफी ज्यादा सीरियस लिखा गया था। लाइक वो मूवी के अंदर जैसे जोक क्रैक करता है, जिस टाइप की हरकतें करता है, वो सब मूवी के अंदर नहीं होने वाला था। पर मनोज बाजपेयी ने खुद से इंसिस्ट करा कि इस कैरेक्टर को थोड़ा सा चुलबुला टाइप बनाओ, जिसके लिए उन्होंने इनएक्ट करके भी दिखाया राम गोपाल वर्मा को एंड ही एग्रीड कि हाँ इस टाइप से कैरेक्टर और भी ज्यादा निखर के आ रहा है। बाकी मूवी की स्टार्टिंग एंड एंड जो है वो तुम्हें पूरी तरीके से ग्रिप करके रखता है एंड थ्रू आउट द मूवी तुम इसी चीज के अंदर उलझे रहते हो कि आखिर अगला स्टेप क्या होने वाला है, जिसे लेके मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करूंगा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच दिस ऑन YouTube। आई थिंक YouTube के ऊपर ये फ्री में अवेलेबल है। एंड हाँ, बाकी यही थे मेरे ओपिनियंस इस मूवी को लेके, तुम्हारे क्या है कमेंट करके जरूर बता देना। एंड टिल देन, बाय।